हमारे चैनल। मेरा नाम है हर्षम पुरा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अल्ट्रा फैन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को 2019 के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका साल काफ़ी अच्छा बीतेगा। और आज मैं एक और एनमी का रिव्यू करने वाला हूँ। पिछले महीने मैंने कोई भी एनमी का रिव्यू नहीं किया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था, जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग करने का। फाइनली अब मुझे टाइम मिल चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि इस साल में आप तक कई सारे एनमीज के रिव्यू और कई सारे अलग अलग वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए बात करते हैं आज के एनमी के रिव्यू की। तो आज हम एनमी का रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है डिटेक्टिव कोनन। ये एनमी मेरी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले हंगामा टीवी पर हिंदी में आया करती थी और तब से मैं इस एनमी को देखता था और मुझे ये एनमी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस एनमी का लेवल है ना डेथ नोट के लेवल के जैसा है। अगर आपने डेथ नोट एनमी देखी होगी आपको पता ही होगा उसका लेवल क्या है, तो आप समझ ही जाएंगे कि इस एनमी का भी लेवल उसके जैसा है तो ये एनमी कैसी होगी। तो चलिए बात करते हैं इस एनमी के बारे में। तो इस एनमी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये एनमी रिलीज हुई थी 19 जनवरी 1994 में और इसके राइटर थे गोशो अयोमा। अब इस एनमी के बारे में बात करते हैं, ये एनमी एक डिटेक्टिव टाइप की एनमी, यानी आप सोच सकते हैं इसमें थ्रिलर है, सस्पेंस है, एक्शन है, एडवेंचर है, लव स्टोरी, यानी हर टाइप की ये एक एनिमी इसमें मिल जाएगा। अब तो चलिए बात करें इसके कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में। तो असल में इस कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम है शिनिची कुरो। अब शिनिची का एक बचपन से एक ड्रीम होता है कि वो अपने सदी का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बने और वो अपने लक्ष्य में लगभग कामयाब भी हो चुका होता है, क्योंकि 17 से 18 साल की एज में वो ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व कर देता था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब उसको शिनिची का आईक्यू लेवल आप एल के आईक्यू लेवल से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब एल कौन है ये मत पूछना भाई लोगों, आप लोग कहते हैं ये एल कौन है, तो आप उसका आईक्यू लेवल शिनिची के आईक्यू लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। शिनिची का आईक्यू लेवल भी काफ़ी ज़्यादा था। तो एक दिन होता क्या है, तो एक दिन शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड रेन, यहाँ पे उसके गर्लफ्रेंड का नाम रेन बताया गया है, तो शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड रेन के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए जाता है। वहाँ पे एक मर्डर होता है, जैसे बात है शिनिची है तो वहाँ पे वो केस को सॉल्व कर ही देगा, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के बाद शिनिची को दो ब्लैक सूट पहने बंदों पे शक होता है। अब शिनिची उनका पीछा करता है और उनकी जासूसी करता है, तो जासूसी करने पर उसको पता चलता है कि वो दो ब्लैक सूट पहने बंदे कोई गैस और ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हमारा हीरो कुछ कर पाए, एक पीछे एक और ब्लैक सूट पहना बंदा आ जाता है और शिनिची के सिर पे लोहे का रॉड मार देता है। अब लोहे का रोड मारने के कारण शिनिची हमारे नीचे धाम से गिर जाता है और शिनिची को मारने के लिए वो पॉइजन ड्रग्स दे देते हैं। अब ड्रग को देने के बाद शिनिची को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा हीरो यहाँ पे मरने के बजाय उसका शरीर सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ने के से मेरा मतलब ये है कि उसकी एज छोटी हो जाती है, लगभग वो 5 से 6 या 6 से 7 साल का एक छोटा बच्चा बन जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये शिनिची तो छोटा बच्चा बन गया है तो क्या घंटा कैसे सॉल्व करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिनिची का सिर्फ शरीर छोटा हुआ, उसका दिमाग नहीं। अब यहाँ से इस एनिमी की असली कहानी शुरू होती है। अब यहाँ पे शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड रेन के साथ उसके घर पे रहता है और अपना नाम बताता है कोनन। अब यहाँ पे शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड रेन के साथ ही क्यों रहता है, तो मैं आपको बता दूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड रेन के डैड भी एक डिटेक्टिव है। वैसे वो थर्ड क्लास के डिटेक्टिव है, उनको केस सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन वो अपने गर्लफ्रेंड रेन के साथ ही रहता है क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा केस आ जाए जो उन ब्लैक ड्रेस पहने बंदों से रिलेटेड हो और शिनिची उन ब्लैक ड्रेस पहने बंदों तक पहुंच जाए। इसके लिए शिनिची अपना नाम चेंज करके रहता है और अपना नाम रखता है कोनन। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार भले उसकी गर्लफ्रेंड रेन के साथ रह रहा है तो, लेकिन शिनिची की बात यानी हमारे कोनन की बात सुनेगा कौन, वो तो एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे की बात कोई सुनने वाला है नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शिनिची के पास कई सारे गैजेट्स भी होते हैं, जैसे कि वॉइस चेंजिंग बोट है जिससे कि शिनिची हमारे किसी की भी आवाज़ में बात कर सकता है। दूसरा है उसके पावर एनहांसिंग किक्सू, जिससे कि वो किसी भी बॉल चीज यानी बॉल को किक करे ना और तो वो बॉल काफ़ी तेजी से सामने जाएगी और सामने वाले बंदे को काफ़ी जोर से लगेगी। और यहाँ पे शिनिची का प्लस पॉइंट भी है क्योंकि वो सॉकर प्लेयर भी था, जिससे कि शिनिची बड़े आराम से किसी भी बॉल को आराम से किक करके गोल कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे शिनिची के पास गैजेट होता है, उसका नाम है स्टन गन रिस्ट वॉच, जिससे कि वो किसी भी बंदे को बेहोश कर सकता है। और उसके बाद है उसका गैजेट टर्बो इंजन स्केटबोर्ड। ये टर्बो इंजन स्केटबोर्ड मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है और उस टाइम पे मैं सोचता था कि काश यार मेरे पास होता, क्योंकि यह टर्बो इंजन स्केटबोर्ड ऐसा होता है कि शिनिची यहाँ से कितनी भी दूर जाना हो वो काफ़ी तेजी से कार से भी ज़्यादा स्पीड में वहाँ तक पहुँच सकता है।
आप सोच ही सकते होंगे यहाँ पे सिनिची के पास कई सारे इसके अलावा भी कई गैजेट होते हैं जिसके कारण सिनिची इन केसेस को सोल्व करता है। इसके साथ साथ इस एनिमे में एक्शन एडवेंचर काफी लाजवाब है। हर एक एपिसोड में आपको एक नया थ्रिल देखने को मिलेगा जो आपको देख के काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके साथ साथ ही इसमें लव स्टोरी काफी अच्छी दी गई है जो आपको देखने में पर्सनली मुझे तो काफी अच्छी लगी और आपको भी काफी अच्छी लगी। और इसके साथ साथ इसके एनिमे के लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ये एनिमे के दो सीजन यानी पहला और दूसरा सीजन आपको हिंदी डब में मिल जाएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन आपको बाकी के एपिसोड इंग्लिश डब में देखने पड़ेंगे और पहले और दूसरे सीजन में भी कुछ एपिसोड मिस है जो आपको इंग्लिश में ही देखने पड़ेंगे। और इस एनिमे के टोटल एपिसोड्स की बात करें तो इस एनिमे के टोटल एपिसोड्स हैं 800। मैं जानता हूँ इस एनिमे के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप जब ये एनिमे देखोगे ना तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि इस एनिमे के कितने एपिसोड हैं, क्योंकि ये एनिमे हर एक एपिसोड में लाजवाब है। और अभी हाल ही में इसका डिटेक्टिव कोना एनिमे का एक कोर्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ है, एक नई मूवी रिलीज हो रही है उसका ट्रेलर आ चुका है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर वो ट्रेलर भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऊपर से पड़े बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले क्योंकि मैं ऐसे एनिमे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और एक बार फिर से आपको नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे ऐसे ही लगातार वीडियो लाते रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले एनिमे रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।